What's up my friends, क्या हाल चाल? I am Rajesh Sharma. In this video we are going to talk about current German visa situation. ये video बहुत important होने वाला है because हम इसमें cover करेंगे कि किस तरीके से आप Germany का study visa ले सकते हैं या फिर अगर आप already उस process के बीच में हैं तो क्या आपकी expectation होनी चाहिए. पिछले कुछ दिनों से back to back काफी ज्यादा comments आ रहे हैं उन बच्चों के जिनको कुछ idea नहीं है कि किस तरीके से visa process करना है and काफी ज्यादा ऐसे बच्चों के कि जो visa के process के बीच में अटके हुए हैं और वो clueless है कि कब उनका next update आएगा visa का, किस तरीके से उनका आगे process हो पाएगा successfully. तो इस video के अंदर हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपना वीजा अचीव करने का चांस इंप्रूव कर सकते हैं या फिर आप किस तरीके से अपने प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि करंट वीजा सिचुएशन के अंदर इतने सारे डिलेज क्यों हो रहे हैं. तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं. पहला तो कोविड का, ऑब्वियसली कि कोविड की वजह से जितनी भी सप्लाई चेन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसका इम्पैक्ट अभी भी आ रहा है एंड कोविड जो है कम्प्लीटली अभी तक रिमूव नहीं हुआ है. बैचेस में बार बार वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह आ जाता है तो उसकी वजह से क्या है कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में इश्यूज आ जाते हैं तो कि सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाता है. दूसरा पॉइंट है कि लैक ऑफ मैन पावर. तो जर्मन एम्बेसी के पास इस समय लैक ऑफ मैन पावर है और उनके पास एप्लीकेशन स्पेशली इंडिया से बढ़ती ही जा रही है तो उसके बीच में एक सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ता जा रहा है तो उनको अपनी मैन पावर रैंप अप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट आई थिंक ये जो दो फैक्टर है कोविड वाला तो यहाँ से इंप्रूव ही होता जाएगा एंड जो मैन पावर वाला है वो यहाँ से मेरे हिसाब से साल भर तक लग सकता है उसको फिक्स होने में. बट मुझे नहीं लगता ये मैक्सिमम केसेस में इंपैक्ट करता है. हाँ ये स्टार्टिंग टाइम पे इंपैक्ट करता है कि जिस टाइम पे आपको वो वेट लिस्ट का टाइम मिलेगा देन आपको स्लॉट मिलेगा उस चीज पे इंपैक्ट करता है. बट एक बार जब आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है तब ये वाले जो दो फैक्टर है इनकी वजह से थोड़ा कम ही असर पड़ता है, बाकी दूसरे फैक्टर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. और वो दूसरे फैक्टर्स ये हैं कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप के इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपकी अपनी प्रोफाइल कैसी है. बस इंस्टीट्यूट से ही मैटर नहीं करता, आपकी अपनी प्रोफाइल से भी काफी मैटर करता है ये प्रोसेस. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेट लिस्ट की. जब आप जर्मनी के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है वो है वेट लिस्ट. तो आज के टाइम में इतना सीधा सिंपल प्रोसेस नहीं रहा है कि आप किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए बीएफएस की साइट पर जाएं या एम्बेसी को अप्रोच करें एंड आपको सीधा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. आपको पहले वेट लिस्ट के थ्रू ही जाना पड़ता है. तो उसके लिए पहले आपको अपना बीएफएस पे अकाउंट बनाना पड़ता है एंड देन यू आर पुट ऑन अ वेट लिस्ट. उसके बाद आपको वेट करना होता है एक ईमेल आने का. आपके पास एक ईमेल आता है बीएफएस का जिसमें आपको फिर उसके बाद ईमेल आने के बाद 48 आवर्स मिलते हैं और 48 आवर्स के अंदर आपको अपना स्लॉट बुक करना होता है. अगर आपने वो ईमेल बाय चांस मिस कर दिया और वो 48 आवर्स निकल गए तो आपको दोबारा वेट लिस्ट के रीसेट कर दिया जाएगा और आपको फिर दोबारा वेट करना पड़ेगा पूरे वेट लिस्ट के टाइम का, जो कि आजकल ऑन एवरेज दिल्ली एम्बेसी के लिए चल रहा है 30 डेज के अराउंड, जो कि है मास्टर्स के लिए. अभी चेंज हो सकता है. वेट लिस्ट क्या है कि बैचलर्स के लिए थोड़ा और ज्यादा हो सकता है एंड जो लैंग्वेज कोर्सेज है उनके लिए और ज्यादा हो सकता है. तो जर्मन एम्बेसी एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करती है जब वो वीजाज की बारी आती है. तो सबसे कम प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है लैंग्वेज कोर्सेज के लिए या प्रिपरेटरी कोर्सेज के लिए. सेकंड जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है बैचलर्स के लिए. थर्ड जो प्रायोरिटी दी जाती है जो हाई प्रायोरिटी होती है वो दी जाती है मास्टर्स के लिए या फिर बैचलर्स उनके लिए जिनके 12th में 90 से ज्यादा परसेंटेज होते हैं एंड उससे भी ज्यादा हायर प्रायोरिटी दी जाती है वर्क वीजा के लिए. वो इसलिए क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी में डायरेक्ट इंपैक्ट सबसे ज्यादा वर्क वीजा का होता है कि जो भी वर्क वीजा लेके जाएगा वो ज्यादा ही जर्मनी के अंदर वहां की इकोनॉमी में पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. सेकंड नंबर पे मास्टर्स, बिकॉज मास्टर्स वाला जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी काफी स्किल गेन कर चुके होते हैं और वो 2 साल के अंदर ही जाके वहां पे जॉब स्टार्ट कर लेंगे. उसके बाद इसलिए फिर प्रायोरिटी थोड़ी कम दी जाती है बैचलर्स के लिए, बिकॉज अभी बैचलर्स वाले वहां जाके 4 साल लगाएंगे पढ़ाई में एंड देन वहां जाके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे. एंड सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है लैंग्वेज कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए. तो जिसकी जितनी कम प्रायोरिटी है उसका उतना वेट लिस्ट का टाइम बढ़ जाता है. तो लैंग्वेज और बैचलर्स के केस में कई बार वेट लिस्ट जो है 60 डेज अप टू 90 डेज भी चली जाती है किसी किसी एम्बेसी लोकेशन के लिए. वेर एज मास्टर्स के लिए ऑन एवरेज 30 डेज रहता है, पर ये टाइम के साथ में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है. आगे आने वाले टाइम में 2023 तक जैसे जैसे वर्क फोर्स बढ़ेगी जर्मन एम्बेसी के पास में, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये वेट लिस्ट का टाइम थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए. एट दिस पॉइंट देर इज अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ वेटिंग गोइंग ऑन एंड आई थिंक जर्मन एम्बेसी शुड वर्क सीरियसली ऑन दिस थिंग, बिकॉज ये जस्टिफाइबल नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को अपना वीजा का स्लॉट बुक करने के लिए भी एक एक महीना वेट करना पड़े. दिस इज नॉट गुड. और बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ता है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर अ मेंटल हेल्थ ऑफ एनी स्टूडेंट और एनी पर्सन. तो आई बिलीव जर्मन एम्बेसी शुड स्ट्रिक्टली वर्क ऑन दिस पॉइंट एंड आई होप कि जल्दी ही ये जो वेट लिस्ट का टाइम है, अननेसेसरी इतनी वेटिंग चल रही है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी. एंड अच्छे से हमेशा ध्यान रखें कि जिस पॉइंट पे आपने वेट लिस्ट में अपने आप को डाल दिया है अपने ईमेल को रेगुलरली चेक करते हैं, इवन अपने स्पैम फोल्डर वगैरह को अच्छे से चेक करते हैं, बिकॉज अगर आपने वो ईमेल मिस कर दी तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस आपको 30 दिन पहले ले जा सकता है कि जहां से आपने पूरा शुरुआत करी थी वेट लिस्ट अपनी. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वेट लिस्ट के बाद वो होती है स्लॉट बुकिंग की. जब आपको वेट लिस्ट का वो मेल आ जाता है तो आपको स्लॉट पिक करना होता है, जो कि ऑन एवरेज आज के टाइम में 90 डेज तक का मिल रहा है. लेट से आपको 15 अगस्त को मेल आता है बीएफएस का कि हाँ भाई नाउ यू कैन पिक योर स्लॉट, तो इजिली हो सकता है कि आपको जो स्लॉट मिल रहा हो वो 15 नवंबर का मिल रहा हो या फिर उससे भी ज्यादा का मिल रहा हो.
जिस पॉइंट पे आप स्लॉट पिक करेंगे आपको इतना ज्यादा गैप के बाद का आपको स्लॉट ओपन मिलेगा। अगेन उस केस के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी आपको स्लॉट मिल रहा होगा उसके अंदर आप अर्लियर स्लॉट पिक कर सकते हैं। बट उसके बाद एक ट्रिक होती है कि आप किसी तरीके से अपने जो 90 दिन का इतना वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस करके बस एक दिन पे ला सकते हैं, तो आप अपने 90 दिन बचा सकते हैं। ये काम करने के लिए कुछ एजेंट जो होते हैं वो 40,000 रुपए लेते हैं, पर आप ये बिना किसी एजेंट को 40,000 रुपए दिए अपने आप कर सकते हैं। वो है कि रीशेड्यूल का फीचर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब BFS की साइट में जाके रीशेड्यूल का फीचर देखते हैं, उन्हें दिखता है कि कोई भी स्लॉट नहीं मिल रहा होता, तो वो सोचते हैं कि ये रीशेड्यूल का फीचर जो है यूजलेस है। बट उसके पीछे एक तरीके की ट्रिक होती है। आप अगर अर्ली मॉर्निंग 6 बजे या फिर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे या रात को रैंडमली 10 बजे, बेसिकली आप अगर रैंडमली अलग अलग टाइम पे चेक करेंगे तो क्या होता है, कई बार लेट से कि अगर आज की डेट 15 अगस्त है तो आपको 16 अगस्त 17 अगस्त या 18 अगस्त बिल्कुल जो नेक्स्ट वर्किंग डे है आपको उसका स्लॉट मिल जाता है। बट उस सिचुएशन में आपके पास सारा जो पेपर वर्क है ना वो पूरा का पूरा फुल्ली रेडी होना चाहिए आपके पास। आपके ब्लॉक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, एडमिशन सर्टिफिकेट, सब कुछ जितना भी पेपर वर्क आपको चाहिए A to Z अगर आपके पास रेडी है तो आप उस रीशेड्यूल वाले फीचर की ट्रिक का यूज कर सकते हैं और रैंडम टाइम के अंदर आप अपने अकाउंट पर जाके रीशेड्यूल को चेक कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई स्लॉट मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ये स्लॉट वीकेंड्स पे खुलते हैं एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास दिखने शुरू हो जाते हैं, एंड मैक्सिमम ऑफ द टाइम में आपको जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे का ही स्लॉट मिलता है, उसके बाद का नहीं मिलता। तो आप अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप ट्राई करते रहें। जैसे कि आप आज रात को 9 बजे ट्राई कर रहे हैं और आपको कल सुबह बिल्कुल 9 बजे का स्लॉट मिल जाए, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए कि आप बिल्कुल कल सुबह उठें, ऑफिस में मेल डालें कि नॉट कमिंग टू ऑफिस, या फिर अपने जहां पर भी आपको जो भी मेल डालना है एंड सीधा BFS सेंटर पर पहुंच जाएं। तो उससे आपका जो 90 दिन की वेट लिस्ट थी वो हो सकता है रिड्यूस होकर बस एक दिन पे आ जाए। तो बेसिकली इस ट्रिक से आप 90 दिन बचा सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने भी खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जब मैंने अपनी स्लॉट बुकिंग इनिशियली फर्स्ट टाइम करी थी तो मेरे को जो स्लॉट आ रहा था रीशेड्यूल करने का वो आ रहा था बेसिक, मेरा जो स्लॉट था वो इस डेट पे हो गया था बुक जो कि सेप्टेम्बर में है, एंड जो मेरे को रीशेड्यूल करने का ऑप्शन आया था सबसे पहला वो भी कोई खास यूजफुल ऑप्शन नहीं था बिकॉज ये बस एक दिन पहले का था। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि रीशेड्यूल का जो फीचर है वो यूजलेस होता है। रैंडमली कुछ दिन बाद ट्राई करा और मेरे को अचानक से आउट ऑफ सरप्राइज ये अगले दिन का ही बिल्कुल नेक्स्ट वर्किंग डे का ही बिल्कुल स्लॉट अवेलेबल दिख रहा था। बट अनलकीली मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर मेरे पूरे कंप्लीट नहीं थे, नहीं तो मैं वो बुक करता और मैं अगले दिन ही चला जाता। रीशेड्यूलिंग से रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, वो ये है कि रीशेड्यूलिंग बस 48 आवर्स के अंदर ही अलाउड होती है और आपको बस एक ही अटेम्प्ट अलाउ होता है। ये लेटेस्ट अपडेट हो गया है। पहले 4 दिन के अंदर रीशेड्यूलिंग अलाउ होती थी और 4 अटेम्प्ट अलाउ होते थे। आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही उस पोर्टल को बार बार चेक कर करके देखना होता है कि क्या आपको रीशेड्यूल का कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। काफी केसेस में रीशेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है बट हर कोई इतना लकी नहीं होता और उसको रीशेड्यूल का ऑप्शन नहीं मिलता। बेसिकली इस तरीके से आप भी अपना बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है और सारे एजेंट्स को तो ये टेक्निक्स पता होती हैं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेक्निक नहीं पता होती है और इसी की वजह से वो अपने एजेंट को 20,000, 30,000, 40,000 अननेसेसरी चीज पे दे देते हैं। अगर आपको एजेंट हायर करना ही है तो किसी काम की चीज पे करें जिसमें आपको जेन्युइन वो हेल्प करें, कोई एक्चुअल चीज हेल्प करें और उसके आप उनको पैसे दें। एजेंट हायर करना मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत होता है, कुछ अगर आपको एक्चुअली वैल्यू ऐड करता है एजेंट तो उसको हायर डेफिनेटली करना चाहिए अगर वो अच्छा एजेंट है तो। बट फालतू में कोई भी स्टूडेंट अपने पैसे बर्बाद करे वो चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना होने दें। 10 रुपए 10 लाख रुपए जितने भी बचा सकते हैं हर जगह बचाएं, कम से कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किस तरीके से निकाली जाए। तो ये था स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट सबमिशन का या फिर इंटरव्यू का। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे वेल प्रिपेयर करके ले जाने चाहिए। बस आपको एक चेकलिस्ट जो देती है BFS की तरफ से, जो जर्मन एम्बेसी की तरफ से चेकलिस्ट होती है, बस वही वाले डॉक्यूमेंट नहीं उठाने चाहिए। तो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट में FAQ सेक्शन के अंदर लिखे होते हैं, तो आपको वो वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स देख के या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, लेट्स से कि आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो उस वर्क एक्सपीरियंस के भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके चलें। लेट्स से कि अगर आपका कोई स्पाउस है तो अपने मैरिज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आपका चाइल्ड है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें भी आप एक्स्ट्रा साथ में लेके चलें जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस है वो एक बारी में स्मूथली हो जाए। और अगर आपको इंटरव्यू के थ्रू जाना है तो इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से रिसर्च करें और उसके लिए प्रिपेयर करके जाएं कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड किस तरीके से आप मैच्योर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, कि आप दिखा सकते हैं कि आप पास्ट में काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, आपका क्या पैशन है एंड किस तरीके से आप उस इंडस्ट्री में जर्मनी में ही जाना चाहते हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं। तो अच्छे से अपने आपको वेल प्रिपेयर करके लेकर जाएं जिससे कि आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। अच्छा, वीजा के टाइमलाइन में इंपैक्ट करने वाला ना यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर आ जाता है कि आप किस टाइप के इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बर्लिन में या स्पेशली किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं बर्लिन के, तो वहां पर जो आजकल हमारा वीजा प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है ना वो बहुत
ज़्यादा चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वजह से मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जर्मन एम्बेसी के रडार पे आ चुकी हैं। इललेजिट काइंड ऑफ वर्क चल रहा था वहाँ पर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खराब हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जर्मनी के अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल एक्रेडिटेड हैं, उनके पास एक्रेडिशन होती है जो कि ग्लोबली वेल नोन होती है, जैसे कि मैनहेम बिजनेस स्कूल हो गया, WHO हो गया, इनके पास ASESB एक्रेडिशन है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास ग्लोबल वेल रिकॉग्नाइज्ड एक्रेडिशन है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं। बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ना बस एजुकेशन को बिजनेस बनाने के लिए वहाँ पर अपने आप को सेटअप कर लिया जर्मनी के अंदर, और वो टाइप के जो इंस्टीट्यूट हैं वो जर्मन एम्बेसी के रडार पे आ चुके हैं। बिकॉज वो क्या है कि लो क्वालिटी प्रोफाइल के स्टूडेंट्स को भी उठा लेते हैं बस पैसों के लिए, फिर वहाँ पर वो स्टूडेंट्स का वीज़ा लगवा देते हैं, फिर स्टूडेंट्स को जर्मनी में पहुँचने के बाद में ईजिली जॉब नहीं मिलती है, फिर स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके के कुछ ऐसे एग्जाम्पल पास्ट में रहे हैं जिसकी वजह से जर्मन एम्बेसी बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो गई है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की सिचुएशन में, और दैट इज़ वाई जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं जो कि बर्लिन बेस्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि डिफरेंट लोकेशन से हैं उन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सबको स्क्रूटनी के थ्रू जाना पड़ रहा है, इसलिए उनके जो प्रोसेस है ना कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल अच्छी है, लेट्स से कि अगर आपका प्राइवेट जो स्कूल है वो अच्छा है, वो उस खराब वाली कैटेगरी में नहीं आता है, बट अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल वीक है तो आपको फिर भी डिले फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज कि उसमें अननेसेसरी कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर्स। वेरेज अगर आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करें, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरीके से एडमिशन लें जर्मन यूनिवर्सिटी में, तो आपको वही सारे बेसिक टेक्निक यूज़ करनी है और आपके अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल को एम्बेसी की तरफ से किसी भी तरीके का रेड फ्लैग ना मिले और आपका प्रोसेस स्मूथली चलता जाए। तो बेसिकली दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस लोकेशन के किस इंस्टीट्यूट के किस कोर्स में जा रहे हैं एंड देन आपकी प्रोफाइल क्या है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपका जो वीज़ा का टाइमलाइन का प्रोसेस है वो डिपेंड हो सकता है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बर्लिन में भी अप्लाई करने के बाद में फिर भी उनका 30 से 40 दिन के अंदर वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, बट ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एक एक साल हो गया है और उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है, और उनको मास्टर्स में अप्लाई करने के बाद में भी इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं जो कि बस बैचलर्स के लिए आनी चाहिए, बट मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को भी एम्बेसी की तरफ से कॉल आती है, कुछ इंटरव्यूज लिए जाते हैं और उसके बाद भी उनके वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली बर्लिन प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर एंटायर जर्मनी प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट थोड़ा सा एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट पिक करें तो आप अच्छे से श्योरिटी के साथ पिक करें कि उसकी वीज़ा सिचुएशन क्या चल रही है उस इंस्टीट्यूट की, तभी वहाँ पर आप अपने फीस वगैरह दें, नहीं तो आप अपने ऐसे पैसे ना फंसाएं। एंड आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च करें कि आप किस तरीके से पब्लिक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी किसी स्मॉल टाउन की भी पिक करी तो उसमें भी वीज़ा प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी होने का ज़्यादा चांस है। तो इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं किस तरीके से आप अपना चांस इंप्रूव कर सकते हैं एडमिशन का। तो इमीडिएट तरीका जो है आप जिसकी वजह से अपना इंप्रूव कर सकते हैं चांस जर्मनी के अंदर एडमिशन का, वो है रिसर्च वर्क। तो उसके लिए आपको कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट रिसर्च वर्क कोई ऐसी चीज़ है कि आप अगर एक हफ्ते भी अच्छे से रिसर्च कर लें कि किस टाउन में छोटे टाउन में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोर्स तो बहुत अच्छे हैं, जिसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है एंड जहाँ पर इंडस्ट्री भी वेल सेटअप्ड है, बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उसको अप्लाई नहीं करते बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के रडार पे वो यूनिवर्सिटी नहीं आ पाती। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो टॉप 10 की होती है ना, उसमें हर कोई अप्लाई कर रहा है और उसमें एक अनफेयर कंपटीशन भी बन जाता है। बट अगर आप अच्छे से रिसर्च करके एक ऐसे जैम ऑफ द यूनिवर्सिटी ढूंढ ले जो हिडन जैम टाइप की होती है, तो उसमें क्या है कि आप अपना जो कॉम्पिटिशन है उसको रिड्यूस कर पाएंगे एंड अच्छी यूनिवर्सिटी पर आप इजिली क्रैक कर पाएंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च वर्क। देन इसके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं वीजा का चांस या फिर अपना एडमिशन लेने का चांस, बट ये तरीके थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, बट दे आर वेल वर्थ इट बिकॉज लॉन्ग रन में आपको जो इन चीज़ों का है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिसमें से पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज। अगर आप इंडिया से C1 लेवल या एटलीस्ट B2 लेवल की जर्मन कर सकते हैं तो उससे क्या है कि आपके जर्मन कोर्सेज में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है और आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज है ना वो बहुत लिमिटेड हैं, 10-20% है, और सारे के सारे लोग उसी पर अप्लाई कर रहे हैं, जो नॉन जर्मन लोग हैं EU से जितने भी लोग हैं जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं वो भी उस पर अप्लाई कर रहे हैं, सारे इंडियन चाइनीज अमेरिकन हर कोई उसी के लिए अप्लाई कर रहा है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अगर आप जर्मन सीख के जर्मन कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में भी आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वेरियस स्टूडेंट जब इंग्लिश कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 90% होने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो ही जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना हाई होता है उनमें। इसके अलावा आप अपना वर्क एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर आप वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं तो उससे आपका रिकमेंडेशन लेटर इंप्रूव हो जाता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना देता है, इन फैक्टर्स की वजह से भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, या फिर आप अपने किसी कोर्स का सर्टिफिकेशन कर लें तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है उससे, या फिर आप अपने हायर स्कोर पे काम कर सकते हैं कि आप अभी भी अपनी बैचलर्स
कर रहे हैं तो आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप आईएलटीएस जीआरई जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करके उनके थोड़े बहुत स्कोर बढ़ा सकते हैं, तो उससे आपकी प्रोफाइल में अगर कोई भी वीकनेस होगी ओवरऑल वो उससे कंपनसेट हो जाती है एंड आपका चांस इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाले कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट लगा के अपना चांस बढ़ा सकते हैं, वेयर एज रिसर्च से क्या है आप इंस्टेंटली मे बी इवन रातों रात अपना चांस बढ़ा सकते हैं, बिकॉज हो सकता है एट दिस पॉइंट आपको वो कुछ 4-5 अच्छी यूनिवर्सिटीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, जिसके बारे में आप रिसर्च करेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा और आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा एंड आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो बेसिकली आई होप दिस वीडियो गिव्स यू एन आइडिया कि किस तरीके का वीजा प्रोसेस चल रहा है, क्या उसमें वेटिंग टाइम चल रहा है, क्या टाइमलाइन चल रही है एंड किस तरीके से आप अपना वीजा गेन करने का चांस बढ़ा सकते हैं एंड किस तरीके से आप अपना एडमिशन का भी चांस इंक्रीज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू यू। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। विश स्वेटर।